हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के हमारे अतीत का तीसरा पाठ ग्रामीण क्षेत्र प्रशासन चलाना, आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दूसरा पाठ रीड किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट के अंदर से वो लिंक लेकर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये चित्र है जिसमें 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलती हुई दिखाई जा रही है। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। अब ये घटना, वैसे तो सोचो मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों के बीच में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन इस चित्र में इसे एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। ये चित्र उस चित्रकार ने बनाया जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए वास्तव में एक बहुत बड़ी घटना थी। जब वो दीवान बन गए तो उन्होंने अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों का मुख्य शासक बन गए। अब उन्हें अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। उन्हें एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारी कंपनी के नाते उसे यह भी ख्याल रखना था कि वह अपनी जरूरत की चीजों को खरीदती बेचती रहे। समय के साथ साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। भारी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था। ऐसे लोग जो स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था पर उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। तो ये काम कैसे होगा? इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मन माफिक फसलों की खेती कैसे कराई। कंपनी की आमदनी, कंपनी दीवान तो बन गई पर खुद को अभी भी एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी पर उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के अंदर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी गई चीजों का कुल मूल्य दुगना हो गया। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जाने लगी। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरदस्ती बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट हो रही थी। अब यहाँ पर ये एक साप्ताहिक हाट दिखाया गया। हर सप्ताह जैसे अपने सब्जी मंडी वगैरह में भीड़ लगती है, वैसे यहाँ पे हर संडे के संडे हर सप्ताह एक हाट बाजार लगा करता था जहाँ किसान और कारीगर अपनी चीजें बेचने और जरूरत की चीजें खरीदने के लिए बाजार आया करते थे। जब आर्थिक संकट आया तो ये सारे बाजारों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। एक तिहाई आबादी खत्म हो गई और इसके कारण थे अंग्रेज, चार्ल्स कार्निवल। अब खेती में सुधार की जरूरत थी। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो कंपनी को कैसी आमदनी होती है? तो ज्यादातर अफसरों को लगा कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार करना जरूरी है। किस तरह काम चले, 20 साल तक इस पर बहस चली। आखिर में 1793 में कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी, उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई गई राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें लगातार टैक्स मिलेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदा में रहेंगे।
समस्या मगर बहुत तगड़ी आई। इसने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अब भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी जो टैक्स तय किया था ना, वो इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी, और जो जमींदार टैक्स नहीं चुका पाता था उसकी जमींदारी छीन लेते, और बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके, जमीन बाजार में कीमतें बढ़ने लग गई और धीरे धीरे कंपनी का खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, पर कंपनी को कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा के लिए टैक्स तय कर चुकी थी। अब वो और टैक्स में वृद्धि नहीं कर सकती। यहाँ पर एक हम कोलब्रुक का कथन पढ़ेंगे कि बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे, वे औरों को पट्टे पर जमीन देकर भारी लगान वसूल करते थे। H.T. कोलब्रुक ने 1860 में इन लोगों के बारे में बताया कि बटाई की भारी शर्तें, मवेशी, बीज, आजीविका और कर्जों के बदले बेकारी से दबे ये किसान खुद को कभी कर्जे से बाहर नहीं निकाल सकते। उन्हें जीने का भी क्या पूरा नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे भयानक हालात में वह दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं, ना ही उन्हें अपनी हालत सुधारने कोई उम्मीद दिखाई देती है, क्योंकि कंपनी ने इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया था। और अब जो जमींदार है, जिसने वो जमीन ली है, जिसको जमींदारी मिली है, उसको वो टैक्स भी चुकाना है और अपना भी खर्चा निकालना, तो जो बेचारे किसान है उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। पर जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में अपनी जमीन गवा चुके थे। जो बचे रह गए थे उन्हें भी अब बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल कर सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। जबकि किसानों को ये हालत बहुत खराब थी। किसान को जो लगान चुकाना था बहुत ज्यादा था, और जमीन पर उसका कर्जा भी, उसका अधिकार भी सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर मार्जन से कर्जा लेना पड़ता था। लगान नहीं चुकाता तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। एक नई व्यवस्था 19वीं सदी के शुरू में काफी लोगों को लगा कि यार राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो, तो वो स्थायी रूप से राजस्व तय कर काम कैसे कर सकते। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में, आजकल ये एरिया उत्तर प्रदेश में है, होल्ट मैकेंजी नाम के एक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को लगा कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेत को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गाँव या ग्राम समूह, जिसे महाल कहा जाता था, महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि इसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय अब गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इसे ही महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। कितना अच्छा फैक्ट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मुंडरो व्यवस्था, इसी तरह से दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया। जो वहां व्यवस्था आरंभ हुई उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी के कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को अजमा कर भी देख लिया गया था। टॉमस मुनरो, ये जो बंदा है इसका नाम है टॉमस मुनरो, ये मद्रास का गवर्नर था टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और पूरे दक्षिण भारत में यही व्यवस्था लागू कर दी। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। उनका तर्क था कि उन्हें सीधा किसानों यानी रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक अलग से सर्वेक्षण करना चाहिए और अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। नई व्यवस्था लागू हुई, पर फिर कुछ सालों में उसमें समस्याएं आ गई। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया।
किसान राजस्व चुका टैक्स चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्नशील उद्यमशील किसान बना देगी। अब इस समस्या की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इन लोगों ने टैक्स बहुत ज्यादा रख दिए। अब इतना ज्यादा टैक्स रख दिया कि उसे चुकाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, आप उस टैक्स को चुका ही नहीं सकते थे। इसके कारण किसान जो है वो गांव छोड़कर ही भाग जाता था। और यहां पर जो है हमारा इसका पहला एक्ट कंप्लीट, पहला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ूंगा, तब तक आप उसे देखिए और तैयार कीजिए। थैंक यू।